इस वीडियो में मैं आपको स्प्राउटेड मूंग का सैलेड बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और जब भी आपको लाइट भूख लगती है, हल्की कुछ खाने का मन करता है, तो इस प्रकार आप स्प्राउटेड मूंग लेकर इसका सैलेड बनाकर खा सकते हैं। तो इसके अंदर ये हमने बॉयल्ड मूंगफली एंड ये चॉप्ड धनिया लिया हुआ है, और ये चॉप टोमेटोस एंड अनियन चॉप्ड, ये सारा सामान हमने रेडी करके रखा है। और अब ये स्प्राउटेड मूंग है जिसका कि हम सैलेड बनाएंगे, तो इसको हमने एक बाउल में डालकर ऐसे, और इसके अंदर हम ये चॉप अनियन डालेंगे और टोमेटोज भी आप कट करके जितना आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये टोमेटोज भी कट करके इसमें ऐड किए हैं, और ये बॉइल्ड मूंगफली है जो कि इसके टेस्ट को एनहेंस करेगी, तो इसको भी हमने इसमें ऐड किया है। एंड अब इसको ये हमने मिक्स किया सैलेड मूंग के साथ सारे सामान को इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक साल्ट ऐड करेंगे, और जब भी हमें कुछ ऐसे सैलेड वगैरह खाना हो तो ब्लैक साल्ट ही यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। देन इसमें हमने ऐड किया ये लेमन जूस, लेमन जूस इसके फ्लेवर को अच्छा करेगा, तो ये भी हमने इसमें ऐड किया। और ये इसके बाद हमने ये कोरिएंडर लीव्स इसको गार्निश करने के लिए इसमें डाली हैं, और ये वैसे भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो इस प्रकार हम इस सैलेड को बनाकर और न्यूट्रिशियस बनाकर इसका हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सैलेड में बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन भी काफ़ी क्वांटिटी में इसमें होता है। तो इस प्रकार से जब भी हमें लंच या डिनर करना है, या वैसे भी लाइट भूख है हमें, तो हम इस प्रकार सैलेड बनाकर खा सकते हैं।